गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 10 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया, जैसा कि जब हम ये नाम सुन रहे हैं, क्रिया यानी कि कोई काम करना, ठीक है। तो जब कोई क्रिया या कोई काम किया जाता है या हमें किसी कार्य के करने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये था साधारण शब्दों में मैंने आपको इसका अर्थ समझाया। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं उन्हें व्याकरण में क्रिया कहते हैं। मैंने समझाया ना, जो हम कार्य कर रहे हैं वही क्रिया होती है। निम्नांकित चित्रों को देखिए व उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बच्चों, आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन चित्रों को देखिए। पहला चित्र है, उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, राहुल पत्र लिख रहा है। इसका मतलब जो लिख रहा है वो एक क्रिया हो रही है, और उस क्रिया को कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। तो राहुल कौन सी क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। समीर गाना गा रहा है। अब समीर कौन सा कार्य कर रहा है? गाना गा रहा है वो, तो यहाँ पर ये क्रिया हो गई इसकी। मोर नाच रहा है। अब यहाँ पर मोर कौन सा कार्य कर रहा है? वो नाचने का कार्य कर रहा है। अब पहले वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में गाना गाने का कार्य हो रहा है, तथा तीसरे वाक्य में नाचने का कार्य हो रहा है। अतः इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई कार्य अवश्य हो रहा है। लिखना, गाना और नाचना सभी क्रियापद है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम परिभाषा की। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब है धातु की। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इस बात को बच्चों याद रखना कि धातु क्या होती है। जो क्रिया शब्द होता है, ठीक है, जो क्रिया शब्द है उसकी जो मूल जो शब्द होता है, जैसे यहाँ एक उदाहरण दूँ मैं आपको, एक शब्द है चलना, ठीक है। तो जो यहाँ पर चलना, चल जो शब्द है वह धातु है, उसी को हम धातु कहेंगे, और इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मूल शब्द होता है उसको हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। धातु में ना जोड़ने से, इसमें धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब उदाहरण के तौर पर आपकी पुस्तक में कई शब्द दिए गए हैं, उनको आप समझने का प्रयास करिएगा। एक तरफ धातु है, एक तरफ क्रिया है। अब जैसे है यहाँ पे गा, गा क्या हो गई? गा क्या हो गई? एक धातु हो गई। और गा में जब हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो वो वहां पर बनेगा गाना, ठीक है। और पढ़ धातु है, पढ़ में क्या लगेगा? पढ़ना ना लगेगा, तो क्या क्रिया बन जाएगी? पढ़ना। अब खा, खा से बनेगा खाना। चक से क्रिया बनेगी चखना। देख से क्रिया बनेगी देखना। रुक से क्रिया बनेगी रुकना। दौड़ से क्रिया बनेगी दौड़ना। और बोल शब्द से, जो बोल एक मूल धातु है, उसमें जब हम ना जोड़ेंगे तो क्या क्रिया शब्द बनेगा? बोलना, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद की, क्रिया के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को पढ़ेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया तो है लेकिन वहाँ पर कर्म भी है,
तो वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अब मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि कर्म और क्रिया साथ साथ किस प्रकार आएंगे। अब पहला एक वाक्य दे रखा है, इसमें अंजलि खाना बनाती है, ठीक है। अंजलि बनाती है तो वो क्रिया कर रही है बनाने की, ठीक है। लेकिन वह क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो जो खाना शब्द है वह वही कर्म है, ठीक है। ऐसे अगला एक उदाहरण और है, शुभम ने गमला तोड़ दिया। अब शुभम ने क्या तोड़ दिया, हम क्वेश्चन मार्क लगा के इसका कर्म निकाल सकते हैं, प्रश्न पूछकर कि शुभम ने क्या तोड़ दिया, तो शुभम ने क्या तोड़ा है, गमला, ठीक है। तो उसका उत्तर निकल के आ रहा है तो वही कर्म होता है। तो गमला यहाँ पर कर्म है और तोड़ दिया यहाँ पर क्रिया है। इन वाक्यों में खाना और गमला कर्म है तथा बनाती है और तोड़ दिया क्रियाएं हैं, अतः ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आदित्य हंसता है, अब आदित्य हंस रहा है, अब वो धीरे हंस रहा है, तेज हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, हमें इसका कोई पता नहीं है, अतः यहाँ पर कर्म नहीं है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अब है पशु चरते हैं, पशु कहाँ चरते हैं, घर पर हैं, मैदान में हैं, खेतों में हैं, जंगल में हैं, कहाँ चर रहे हैं, हमें इसका कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। इन वाक्यों में हंसता है और चरते हैं क्रियाएं हैं, इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये सभी अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। मुख्य क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं, ये निम्नलिखित है, ठीक है। मुख्य क्रियाएं कितनी हैं, दो होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन इन क्रियाओं के अलावा हिंदी व्याकरण में कुछ और क्रियाएं भी बताई गई हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है बच्चों। तो जो ये हमारा पाठ था क्रिया का, ये समाप्त हो चुका है। अब हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसको एक बार हम पुनः पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है जो कि आपको याद करनी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी याद करने वाला एक पॉइंट है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं, जो धातु होगा उसमें जब हम कई शब्दों को जोड़ेंगे तो उसी से क्या होगा, क्रिया के अनेक रूप बन जाएंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, मूल कितने रूप होते हैं क्रिया के, दो भेद ही होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और हमने पढ़ा कि क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है बच्चों। तो आज ये जो हमारा क्रिया का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। धन्यवाद।